हाय, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आई हूँ आप सभी के बीच आज एक बहुत ही यूजफुल वीडियो के साथ। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि बिहार पुलिस SI की प्रिपरेशन कर रहे थे और वेट कर रहे हैं कि ये फॉर्म कब आएगी। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ कि बिहार पुलिस SI का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, साथ ही साथ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट एंड आपको प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था वो भी डिस्कस करके बताऊंगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो बिहार पुलिस SI की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना फ्रेंड्स। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चर्चा ये है कि आपका 1288 प्लस सीट्स यहाँ पे निकल के आने वाली है। जैसा कि आपने लास्ट वैकेंसीज में देखा होगा कि आपको 2000 प्लस ही सीट था, तो घबराना नहीं है 1288 सुन के। उम्मीद है कि आपका ये जो सीट है वो बाद में बढ़ जाए। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स मैं आपको वीडियो के मीडियम से अपडेट कर दूंगी। इसके लिए जो एक्सपेक्टेड डेट रखा गया था कि फॉर्म कब आएगा, तो फ्रेंड्स ये एक्सपेक्टेड था कि जून जुलाई में ये फॉर्म आ जाएगा, बट किसी रीजन से ये थोड़ा सा डिले चल रहा है। तो आप टेंशन ना लो, आपका सितंबर टू अक्टूबर के बीच में ही ये फॉर्म आपका आ जाएगा 2023 में। फॉर्म की फ़ी की बात की जाए तो जनरल, BC, EBC और EWS से यहाँ पे 700 रुपीज़ लिया जाता है, वहीं पे आपको SC ST से 400 रुपीज़ फॉर्म की फ़ी ली जाती है। एज लिमिट की बात की जाए तो जनरल एंड अदर्स के लिए आपका मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम 37 इयर्स रहता है। फीमेल्स के लिए मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम 40 इयर्स रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। BC और EBC कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का और SC ST वालों को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। तो रिलैक्सेशन जो होता है ना, वो आपको अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्स दिया जाता है, मतलब कि जितना है उससे आपको बढ़ा करके। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेना। क्वालिफिकेशन की जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है, आप अगर ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो आपको 4 मेजर स्टेज पे डिपेंडेबल होती है। फर्स्ट आपका प्री एग्ज़ाम होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम होगा ना, आपका ऑफलाइन OMR बेस्ड ही होता है। तो प्री भी आपका ऑफलाइन OMR बेस्ड होता है, देन आपका मेंस का रिटेन पेपर होता है, उसके बाद आपकी फिजिकल यानी कि PET प्लस PST टेस्ट हो जाता है, इसके बाद आपका मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्री का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो प्री का जो पेपर होता है ना फ्रेंड्स, उसमें आपको जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स, इन्हीं दो सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए और 2 आवर्स का आपका पेपर होता है, मतलब कि पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद बारी आती है मेंस के एग्जाम पैटर्न की। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मेंस का पेपर जो होता है वो पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 100 क्वेश्चन 200 मार्क का और 2 आवर्स का होता है, उसके बाद आपका पेपर 2 होता है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का 2 आवर्स में। तो चलिए इसका सब्जेक्ट बता देती हूँ। पेपर 1 में आपको जनरल हिंदी के 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। पेपर 2 का जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारे सब्जेक्ट मिला के आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जनरल स्टडी, जनरल साइंस, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो मतलब सारे सब्जेक्ट को मिला करके आपसे यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के लिए एंड 2 आवर्स का आपका मेन्स का भी पेपर होगा। मेंस आपका फ्रेंड्स टोटल 4 आवर्स का होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के।
सो आपने एग्जाम की पैटर्न तो समझ ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया। अब आपको बता दूं कि यहाँ पे जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होती है, मतलब कि फिजिकल होती है, उसमें पीएसटी एंड पीईटी दोनों टेस्ट होती है। तो चलिए सबसे पहले आपको पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बता दूं। इसमें फ्रेंड्स आपका हाइट मेजरमेंट होता है। तो मेल के लिए जो जनरल बीसी ईबीसी है उनका मिनिमम 165 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायरमेंट है। एससी एसटी वालों से 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट जिनका है वो यहाँ पे एलिजिबल है मेल कैंडिडेट्स। देन आपका चेस्ट होता है, तो मेल कैंडिडेट्स का ही चेस्ट मेजरमेंट होता है। जनरल बीसी ईबीसी से 81 to 86 सेंटीमीटर मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए। एससी एसटी वालों का 79 to 84 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। देन आपकी बारी आती है फीमेल्स के लिए पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में फीमेल्स का क्या रिक्वायरमेंट है। तो हाइट फीमेल्स का मिनिमम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे एक और गौर करने की चीज़ होती है कि फीमेल्स का ना यहाँ पे वेट मेजरमेंट होता है, तो मिनिमम आपका वेट 48 kg होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की। तो सबसे पहले आपको रनिंग की बता दूं कि मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग होती है, 6.5 मिनट में इसको कंप्लीट करना होता है। फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग होती है 6 मिनट में। देन आपका हाई जंप होता है, तो मेल के लिए 4 फीट का हाई जंप और फीमेल्स के लिए 3 फीट का हाई जंप रहता है। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप टेस्टिंग होता है, जिसमें मेल के लिए 12 फीट का लॉन्ग जंप होगा और फीमेल्स के लिए 9 फीट का यहाँ पे लॉन्ग जंप होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक का टेस्टिंग होता है। तो मेल्स के लिए आपको 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होता है, फीमेल्स को 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना होता है। तो फ्रेंड्स ये सारा कुछ तो आपको मैंने बता दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम की पैटर्न क्या है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि चलो मैंने ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे सैलरी क्या मिलने वाला है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सैलरी है आपको, 49,772 रुपीज़ टू आपका 54,212 रुपीज़ आपका ये अप्रॉक्स में इनिशियल इन हैंड सैलरी रहता है। चलो मान के आप ये चलो कि आपको 50,000 to 60,000 पर मंथ आपका सैलरी रहने वाला है, और पर ईयर अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है इसमें, उसके बाद आपकी सैलरी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करो। अब मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स का जो प्री का कट ऑफ गया था उसके बारे में बता देती हूँ, ताकि आप अपनी तैयारी को इसको मद्देनजर रखते हुए ही करना। सो चलो आपको सबसे पहले बता देती हूँ मेल जो होते हैं ना मेल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल का 123 था आपको, बीसी के लिए 116.4 मार्क्स था, ईबीसी के लिए 113.2 मार्क्स था, ईडब्ल्यूएस के लिए 114.2 मार्क्स था, एससी वालों के लिए 101 मार्क्स था, एसटी वालों के लिए 110.8 था। तो आप ये जो कट ऑफ देख रहे हो ना, ये वो आपको टोटल 200 मार्क्स में से इतना आया हुआ है कैंडिडेट्स का। तो आपको ये नहीं मान के चलना है कि इतना आ रहा है तो मेरा हो जाएगा, हर साल ना कट ऑफ इंक्रीज ही हो जाता है। तो आप और अच्छे से तैयारी करो और हाई स्कोर करो, ताकि आपका एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ्रेंड्स, जनरल वालों का 96.8 मार्क्स था, बीसी के लिए 84.2 मार्क्स था, ईबीसी के लिए 70.2 मार्क्स था, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 81.6 मार्क्स था, एससी वालों के लिए 60 मार्क्स था और एसटी वालों के लिए 76.8 मार्क्स। मतलब 200 में से इतना मार्क्स लाए तो सिलेक्शन, मतलब मेंस वो क्वालिफाई कर गए थे मेंस के लिए। सो आई होप कि मैंने जो भी डिटेल आप सभी को बताया है बिहार पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर समझने में कोई सी भी दिक्कत आए ना फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बताना, मैं वहीं पे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर आप और भी ज़्यादा कनेक्टेड होना चाहते हो मुझसे, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी मेरा चैनल है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहां से जाओ और ज्वाइन कर लो। और अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना,
और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन सारी जॉब अपडेट की वीडियो को शेयर करते रहना। सो मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।